नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ अहम खबरें। बिल्कुल तमाम की व्यवस्था की गई है, उसका आनंद आप सभी ले रहे हैं। मैं सभी को फिर बोलूंगा, बोलिए छठ मैया की। मैं आज सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अंबाजी से विनती करूंगा कि आप सभी जहाँ से श्रद्धालु आए हैं उनके बीच जाके उनको आशीर्वाद के रूप में छठ मैया में दर्शन करें और उनका आशीर्वाद। मुंबई में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने 36 घंटे का उपवास रखकर ढलते सूरज को रविवार की शाम अर्घ दिया, छठ मैया की पूजा की। पूजन कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने छठ पूजा के गीत गाए। शनिवार को शाम होते ही साइन कुलीवाड़ा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन के द्वारा एंटाप हिल के बियर हाउस के मैदान में छठ व्रतियों के लिए पूजा अर्चना हेतु कृत्रिम तालाब बनाया गया। आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन जी के द्वारा कृत्रिम तालाब का जो आज छठ मैया की पूजा में जो है विशाल संख्या में आप लोग बना रहे हैं, अगर इसका श्रेय जाता है तो कैप्टन तमिल सेल्वन जी को जाता है और यहाँ के सारे पदाधिकारियों को। मैं मंच पर उपस्थित कैप्टन तमिल सेल्वन जी, मंडल संतोष गुप्ता जी, नीरज पाठक जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी खड़े हैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। खासकर आज छठ मैया की पूजा जो अपने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड विशेषकर मनाते हैं, उसके लिए जो आज इतना सुंदर वातावरण जो कैप्टन जी ने किया है उसका सभी मन पूर्वक अभिनंदन करते हैं। भारी संख्या में छठ व्रतियों की भीड़ यहाँ पर देखी गई। कृत्रिम तालाब पर छठ की अलौकिक छटा बिखर रही थी। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से छठ मैया का पूजन किया। स्नान और सूर्य की उपासना, अर्ध एवं आरती की गई। इस दौरान वडाला पुलिस ने सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए। साइन कोलीवाड़ा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन के द्वारा एंटाप हिल के वेयर हाउस के मैदान में पूजा के समय छठ व्रतियों के बीच उपस्थित रहे। इसके बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान छठ मैया के गीत गूंजते रहे। इससे पूर्व छठ पूजा के दूसरे दिन शनिवार को व्रतियों ने खरना का पूजन किया था। खरना के साथ ही 36 घंटे की तपस्या शुरू हो गई थी। चौथे दिन सोमवार की सुबह श्रद्धालु उदयाचलगामी उगते सूर्य को अर्घ देंगे। इसी के बीच 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। कहते हैं जो सच्चे मन से छठ मैया का व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा मुंबई के कृत्रिम तालाबों और समुद्र तटों पर भी देखने को मिली। व्रतियों ने छठ घाटों पर जाकर पानी के बहते स्रोतों में खड़े हुए और जब भगवान भास्कर अस्तल चलगामी होने लगे तो उन्हें सायकालीन अर्घ दिया। इस दौरान व्रतियों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने ऊर्जा व समृद्धि के प्रतीक सूर्य देव का 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा। कृत्रिम तालाब के पास छठ व्रतियों के बीच मनोहारी दृश्य दिखाई दे रहा था। सुबह से ही नहा धोकर अपने हाथ से बनाए मिट्टी के चूल्हे पर ठेकुआ, खाजा, लड्डू वगैरह का प्रसाद बनाने का कार्य महिलाओं ने किया था। इस अवसर पर कैप्टन तमिल सेल्वन ने कहा, ऊंचा आपको दिखाई दे रहा है, ये रामायण महाभारत कहाँ से शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सब साथ में हुआ था, साथ में था तभी, अभी तो अलग अलग हो गया। लेकिन उनका परिवार अपना हिंदू का असली कलाचार इनका ही है पूरा। इनका जो छठ मैया की जो पूजा होता है, अपन किधर भी जाएगा अपना कलाचार का अनुसार सूर्य भगवान को पूजा पाठ, अभी सूर्य अस्तमय में शुरुआत होता है, फिर उनके बाद सूर्य उदय होने के बाद कल सुबह 6 बजे खत्म हो जाता है।
हम लोग साउथ में संक्रांति करता है, सूर्य उदय में करता है, लेकिन छठ मैया की पूजा सूर्य अस्त में शुरुआत होगी, सूर्य उदय में खत्म हो जाता है। सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हुए ये पूजा का मेन कॉन्सेप्ट वही है, इनका मूल उनका मुद्दा वही है। सूर्य शक्ति नहीं है तो आप भी नहीं है, मैं भी नहीं है, कोई भी फसल नहीं है, कोई भी किसान नहीं है, इसलिए उनके लिए पानी और सूर्य शक्ति बहुत महत्व का है। उनका धन्यवाद देते हुए हिंदू कलाचार का बहुत बड़ा पूजा पाठ सब जगह पूरा दुनिया में हो रहा है। यहाँ पे साइन कोलिवाड़ा में पहले का सरकार समुन्द्र में करने को मना कर दिया था, 3 साल का पहले इसी जगह शुरुआत किया, इसी जगह अभी लगातार ये लोग टैक्सी पकड़ो, टेम्बो पकड़ो, लेके जाके शिवाजी पार्क में उतरो, उधर पूजा करो, आधा रात को आ जाओ, पुलिस उनको तंग करेंगे, इतना आदमी टैक्सी में जा रहा है, इतना लेके जा रहा है, रुको, ये कुछ नहीं, डायरेक्ट कर का बगल में आ जाओ, सब मटेरियल लेके आएंगे, पूजा पाठ करो, चले जाओ। ये व्यवस्था के लिए यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है सब देवभक्त और देशभक्त, मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान का आशीर्वाद से इनका घर पे अच्छा संदेश आ जाओ, घर पे पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई करो, भगवान का आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो जाओ, बिजनेस सर्विस भगवान का ऊपर पूरा भरोसा, कोई रख दिया वो कभी गलती होता ही नहीं, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, लेट भी मिलता है, मिलता है जी। क्या इसी तरह से आगे चलता रहेगा जिससे लोग अस्वस्थ, यहाँ का आपका तरफ से, यहाँ जनता का तरफ से, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का आशीर्वाद से, सम्माननीय पंत प्रधान साहब का आशीर्वाद से सबको ये संदेश छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर हर साल इससे बढ़िया व्यवस्था में होते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे। अभी तक की खबर का सफर करते हैं समाप्त, विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ, लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या फिर कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।